हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ, मस्त, हैप्पी, राइट? चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो अपने ईश्वर को बार बार पूछते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे डिवाइन, हे मेरे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा रीयूनियन, मेरा परमानेंट रीयूनियन मेरे पार्टनर के साथ कब होगा, राइट? तो लेके हमारे प्यारे प्यारे गन्नू भैया का नाम श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया, आज की रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट एंड प्यार के लिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आज हम जानेंगे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ, जो भी सिचुएशन है, रीयूनियन या परमानेंट यूनियन, जो भी आपका क्वेश्चन है आपके स्टेजेस के हिसाब से, आज हम जानेंगे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन या परमानेंट रीयूनियन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप जहां पे भी हैं अपने ईश्वर का नाम लीजिए, अपने इष्ट देव देवी का नाम लीजिए और बोलिए, मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करती हूं और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं ईश्वर की, प्लीज बताइए कि मेरे और मेरे कॉस्मिक पार्टनर, मेरे जो डिवाइन पार्टनर है उनका नाम लीजिए, हम दोनों के रीयूनियन नहीं होने का क्या रीजन है, प्लीज यूनियर्स बताइए, हम डेफिनेटली इस पर काम करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स से हम रीजन पूछेंगे कि क्या रीजन है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है रीयूनियन के स्टेज पे नहीं आ रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप और आपके पार्टनर दोनों भी आइसोलेटेड एनर्जीज में हैं। जी हाँ, आप आइसोलेटेड एनर्जीज में हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर के बिना खुश नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे इनर वर्क करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे कुछ स्पिरिचुअल चीजें पढ़ें, आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तो मुझ पे जबरदस्ती डाल दी गई है, मैं ये सारी चीजें अपने मन से या दिल से तो नहीं कर रही हूँ। यही एनर्जी को आपके पार्टनर जो है मिरर कर रहे हैं और आपके पार्टनर इस चीज के लिए हताश है कि उन्हें बीच रास्ते पर आपको छोड़ के जाना पड़ा। वो इसलिए भी हताश है कि वो ना ही आपको पा पाए और ना ही वो अपने लाइफ में सक्सेस को इजिली पा पा रहे हैं। उन्हें अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे आप और आपके पार्टनर रात को चांद देखते हुए एक दूसरे को मिस करते हुए दिख रहे हैं। आप जब भी रात को सोते हैं तब आपको आपके पार्टनर की बहुत याद आती है और ये एनर्जी उन तक पहुंचती है। जब आपके पार्टनर को आप मिस करते हैं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अपने पार्टनर को हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी ही भेजें, हमेशा प्यार, अनकंडीशनल लव की एनर्जी से ही भेजें। आप अपने पार्टनर को अगर कंफ्यूजन की एनर्जी भेजेंगे, डाउट की एनर्जी भेजेंगे, आप अपने पार्टनर को ऐसी एनर्जी भेजेंगे कि सिर्फ किसी भी स्टेज पर आप सिर्फ ये प्यार पाना चाहते हैं, है ना, तो आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी जाएगी कि आपका जो प्यार है वो कंडीशनल है। आप कहीं ना कहीं इस जर्नी को लेकर अभी भी श्योर नहीं है, आपको इस जर्नी का पूरा नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कि इस जर्नी में आगे क्या होने वाला है, आपके अंदर बहुत सारा इमोशनल ब्लॉकेज है, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, आप सिर्फ कभी निगेटिव सोच रहे हैं, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी दिल से इनर वर्क कर रहे हैं, कभी सारी चीजें छोड़ दे रहे हैं, ऐसी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन ये हो रहा है, आपके पार्टनर आपके सोल के रिफ्लेक्शन है, तो उसका रिफ्लेक्शन ये हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए श्योर नहीं हो पा रहे हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं पर उनको नहीं पता वो आपको इतना क्यों मिस कर रहे हैं। वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता कि वो आपको क्यों पाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूलिटी वाले ड्यूल एनर्जीज में आपके पार्टनर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ना वो अपने करियर में फोकस कर पा रहे हैं, ना फाइनेंसिस में, ना ही वो आप पे फोकस कर पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दो नाव पे सवार हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको लगता है मैं जो भी डिसीजन ले रही हूं उससे मेरी फैमिली को हर्ट हो रहा है, मैं अपने पार्टनर के लिए अपॉर्चुनिटीज को छोड़ रही हूं और वो मेरी तरफ आ भी नहीं रहा। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको लग रहा है मैं जो भी कुछ कर रही हूं उससे मेरी फैमिली, मेरे चिल्ड्रंस, मेरे इन लॉज या मेरी खुद की ओन सेल्फ को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूं। देखिए, ये जर्नी किसी ने आपके ऊपर थोपी नहीं है, यह आपने खुद डिवाइन से मांगी है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये वो प्रीशियस गिफ्ट था जो आपने डिवाइन से मांगा था। तो ये जर्नी आपको आपकी मर्जी से मिली है, तो इसमें आप जो भी काम करें आपको दिल से करना है, क्लैरिटी से करना है, समझ के करें। अगर आपको प्रोटेक्शन लेना है अपने लिए तो आप समझ कर करें कि आपको प्रोटेक्शन क्यों लेना जरूरी है। जब आप कन्विंस्ड हो जाएं आप तब से शुरुआत करें। आधे अधूरे मन से आप कोई भी काम करेंगे, घाई घाई में कोई भी काम करेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक फीडबैक है आपकी स्पिरिचुअल मेडिटेशन या इनर वर्क के रिलेटेड। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्टेशन के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस टेक्निक में अभी आपको डाउट है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपने इतना सब कुछ कर लिया है। आपको लगता है मैं मेडिटेशन कर रही हूं, मैं हीलिंग करवा रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं, कुछ भी नहीं हो रहा।
एट द एंड आप खुद में भी ग्रोथ नहीं देख पा रहे। इसका रीजन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं फोकस्ड होकर नहीं कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में अपनी खुद की एनर्जी से कनेक्ट होने पर बिलीव नहीं रख रहे हैं। आप कैसे भी करके सिर्फ अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं। तो ये जर्नी थोड़ी सी अलग है। ये जर्नी ऐसी नहीं है कि आप कुछ ना कुछ वशीकरण करा लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर लें और अपने पार्टनर को पा लें। वो सारी चीजें करने के लिए भी आपको एक स्टेज पे आना पड़ता है। अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिवली कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्टेज पे आना पड़ता है। और जब तक आप उस स्टेज पे आते हैं ना, आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो चुके होते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैनिफेस्टेशन की इतनी कोई भी नीड नहीं है। बस पॉजिटिविटी से अपने वाइब्रेशन को, अपने अंदर अनकंडीशनल लव को आपको अपने पार्टनर की तरफ फ्लो करना है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है कि आप अपने पार्टनर को जो है अनकंडीशनल लव की एनर्जी सेंड नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसे वो भूल जाएंगे। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप इस प्यार को बहुत जल्दी महसूस करें, इसकी महत्वता को समझें। आप चाहिए तो राधा कृष्णा सीरियल देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कृष्णा और राधा का प्यार कितना अनकंडीशनल था। देयर वेर नो कंडीशंस। वो दोनों एक साथ थे तो भी एक दूसरे के लिए थे, इस पूरी सोसाइटी के लिए थे। जब वो दोनों अलग थे तभी भी वो एक दूसरे के साथ थे। तो प्यार की रियलिटी ये होती है, ठीक है? ये आपको समझना है। आपको लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट कर लिया है, बट देयर इज नो यूज, ठीक है? आपने इन्वेस्ट तो जरूर इस रिलेशनशिप में किया है, बट उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अभी बर्डन के फेस में हैं। आप अभी उस फेस में हैं जहां पे अपने आप अपने अंदर के शेम गिल्ट की एनर्जी को वाइब्रेट किया है। उस शेम एंड गिल्ट की एनर्जी को आपने अभी तक हील नहीं किया है। आपकी कंप्लीट सेल्फ हीलिंग नहीं हुई है। याद रखिए, आप हमारे जो भी टेस्ट एंड ट्रिगर्स आते हैं ना, उन्हें हमें टाइम टू टाइम हील भी करना होता है। तो मुझे ये सारे रीजन दिख रहे हैं आपके पार्टनर के नहीं यूनाइट होने के। चलिए ले लेते हैं एक रीजन डिवाइन की तरफ से, एक गाइडेंस कि कैसे आप अपने इस यूनियन को अचीव कर सकते हैं, किस चीज पे फोकस करके अपनी यूनियन को अचीव कर सकते हैं। ओके, आपको जो भी चीज करना है मन से करना है। आपको भरोसा रखना है कि वो आपके ही पार्टनर है, आप उन्हें पा सकते हैं। आपको हर एक चीज की क्लैरिटी लानी है और आपको हर एक चीज शांत मन से करना है और अपने आप को ईश्वर पे सरेंडर करना है। अगर आप ईगो की एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे, रूड रहेंगे, आरोगेंट रहेंगे, लॉजिकल सोचेंगे, तो आप अपने पार्टनर को यूनियन के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे या यूनियन या परमानेंट यूनियन को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस था आप सभी लोगों के लिए। फैमिली, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच इस रीडिंग में मेरा साथ देने के लिए। हम इसका अपडेट रीडिंग भी करते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आपको हर एक स्टेज पे गाइड करती रहूंगी। लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग टू द डिवाइन कपल। बाय बाय फैमिली।